ओए बसके, बहुत तमाशा बना लिया तूने। आज हम हर सूरत आपसे पैसे लेके जाएंगे। तू अपने बच्चे बेच, जमीन बेच, चाहे जो भी कर, चोरियां कर, डकैतियां कर, आज हम आपसे पैसे लेके जाएंगे। भाई साहब, पहले वाले पैसे तो मैंने आपके दे दिए, आपका सूद बचता है वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा दे दूंगा। क्या सूद बचता है? जो भी बचता है पैसे आपने देने हैं कि नहीं देने हमारे? भाई साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, एक दिन की मोहलत दे दें। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पैसे वापस करो। छोड़ भाई, एक दिन की तो मोहलत मांग रहा है, देख लेते हैं। चल ठीक है, ठीक है, एक दिन की मोहलत है, देख लेंगे तुझे। बेटा, आपके इलाज के लिए पैसे लिए थे, अब सूद भी बढ़ता जा रहा है, कैसे लुटाऊंगा इनके पैसे? अब अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। बेटा, नहीं है हमारी इतनी औकात कि हम इनके पैसे वापस करें, बस हमारा एक ही रास्ता है, यहीं से छलांग लगाते हैं बस। रुको भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब, हमें जाने दो, हमारी खुदकशी मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी? हाँ। कैसी मजबूरी? भाई साहब, पहले वाले पैसे तो मैंने आपके दे दिए, आपका सूद बचता है वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा दे दूंगा। ओए बसके, बहुत तमाशा बना लिया तूने। आज हम हर सूरत आपसे पैसे लेके जाएंगे। तू अपने बच्चे बेच, जमीन बेच, चाहे जो भी कर, चोरियां कर, डकैतियां कर, आज हम आपसे पैसे लेके जाएंगे। इतना जुल्म? चलो मेरे साथ, आप चले मेरे साथ। वो कल बचके वाले पैसे मिलेंगे ना, हाँ। अय्याशी करने जाएंगे, टेंशन ना लो। मजे मजे, मजे, मजे। वालेकुम सलाम। आ गया बचके, हमारे पैसे लेके आया होगा आज। ओ भाई साहब, कितने पैसे देने हैं इसने आपके? ओए सूद समेत हमारे कितने पैसे बनते हैं? 25,000 बनता है। हाँ, 25,000। 25,000 बनता है? जी जी, ये लो 25,000। ये बचके का कौन लगता है? पता नहीं कौन लगता है, हमें नहीं पता। भाई साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। आप मुझे ये बताएं, आपके बाबा जिंदा हैं? नहीं, वो तो मर गए हैं। आपके दादा? नहीं, वो भी फौत हो गए हैं। आप इस बूढ़े से सूद के पैसे वसूल कर रहे हैं? आपके बाबा चले गए, दादा चले गए, वो साथ में क्या लेके चले गए? कुछ तो खुदा का खौफ करो, आपने भी मरना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। बस भाई बस, ये पकड़ो अपने पैसे। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें खुदा के लिए आप माफ कर देना। हम जिंदगी में कभी सूद का काम नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमने मरना भी है, हमें नहीं पता था कि हमारे दादा चले गए, बाबा चले गए, कुछ साथ नहीं लेके गए। अब खुदा के लिए हमें माफ कर देना, जाओ अब। जो लोग सूद का काम करते हैं वो लोग गरीबों की जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ वो अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं।